Friends, today I'm flying to Dubai in Emirates Airline. It's too much busy today. Let me show you some down view. I froze at all hurdles. And finally, now I'm CIP lounge ki taraf ja raha hu. Aaram se baithne ke liye. Aaye andar chalte hain. VIP lounge mein aake baitha hu aur meri flight pehle subah 9:50 pe thi. Phir uske baad mujhe email aayi ke flight is ready. It is now like 11 o'clock aur abhi jab main VIP lounge mein aake baitha hu, it's showing me 11:30 aur abhi I think 11 ho gaye aur abhi tak gates open nahi kiye. Aur main puri raat ka jaag raha hu, soya nahi, bahut thaka hu. और मैं आपको बताता चलूं कि एमिरेट्स से मैं आई एम ट्रैवलिंग लाइक ऑलमोस्ट 15 साल के बाद मैं एमिरेट्स एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा हूं. नॉर्मली मैं जितने भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूं, मैं दुबई अबू धाबी से फ़्लाइट यूज़ करता हूं, इतिहाद एयरवेज या टर्किश एयरलाइन और या यूएसए की जो भी एयरलाइन है. बट एमिरेट्स में मैं 15 साल के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ. तो आए चलते हैं एमिरेट्स के अंदर और देखते हैं. यार बड़ी लंबी क्यू है मेरे पीछे. मैं तो भाई साइड पे आके खड़ा हो गया हूँ. जब सब चले जाएंगे एंड पे जाएंगे भाई, वेट करेंगे यार. आई गॉट अ बोर्डिंग पास, दे हैव टू वेट फॉर मी. जब हमने इतना वेट किया है, एमिरेट्स को भी वेट करना पड़ेगा. All passengers are passengers with please board the aircraft from gate number 23. Thank you. So, jump. Country, first one. This side? Yeah, Fuji Free. Okay. Thank you. Are you calling? Hello. First one. Hi. Who is it? It's me. Oh, and you. Oh, recording. ولإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم يرجع وضع الأمتعة بما في ذلك الحواسيب المحمولة في الخزان العلوي. फाइनली हम लोग दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हो गए हैं. अभी मैं प्लेन से बाहर निकल रहा हूँ
अब बाहर निकल के एयरपोर्ट का राउंड लगाते हैं। So guys, we landed to Dubai International Airport. मौसम अच्छा है, थोड़ी गर्मी लग रही है। पाकिस्तान के हिसाब से मैंने जैकेट पहनी हुई है, तो लगता है उतारनी पड़ेगी। अभी हम अंदर जा रहे हैं, इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद मैं कैमरा ऑन करूँगा, क्योंकि उसके मिडल में आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करें। वॉकिंग ओवर हेयर, काफ़ी चलना पड़ रहा है। प्लेन से अभी तक इमिग्रेशन क्रॉस की तरफ नहीं गया, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, तो चलते हैं। सामने इमिग्रेशन आ गया है। आप जब भी लैंड होंगे आपको पहले इमिग्रेशन में जाना है। अगर तो आपका रेजिडेंट वीज़ा, आप सीधा डायरेक्ट एमिरेट्स आईडी से एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपना वीज़ा कलेक्ट करना है या ई वीज़ा है तो फिर भी आप डायरेक्ट काउंटर पे जाके एग्जिट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ का एमिरेट्स आईडी है बिकॉज आई एम अ रेजिडेंट ऑफ यूएई, तो मैं डायरेक्ट इनके स्मार्ट गेट को क्रॉस करूँगा, जिसके लिए मुझे अपना एमिरेट्स आईडी इंसर्ट करना है मशीन में। वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अलाउ नहीं है, तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ। ये मेरे पीछे आप देख लें, स्मार्ट गेट का बोर्ड है, मैं यहाँ से अब निकलता हूँ। ठीक है, अब आपसे बाहर मिलते हैं। फिनिश इट आउट माय इमिग्रेशन एंड इट टुक ओनली 3 मिनट्स, क्योंकि मेरा, मैंने जैसे बताया आई एम यूएई नेशनल, मेरा एमिरेट्स आईडी था, और 2 मिनट में मैं सब कुछ करके बाहर आ गया हूँ। तो अब मैं अपना सामान पिक करूँगा और यहाँ से बाहर जाऊँगा। और when you enter UAE, they have one beautiful smell which I'm feeling right now. तो अभी सामान पकड़ते हैं फिर बाहर निकलते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली मेरा सारा सामान आ गया और अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, दुबई आना इतना मुश्किल नहीं है। 10-15 हज़ार का वीज़ा पकड़ लें, 35,000 to 40,000 की अच्छी सी एयरलाइन की टिकट लें और आप दुबई आएँ और इन्जॉय करें जैसे मैं कर रहा हूँ। और प्लीज़ मेरे पेज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ईट स्लीप ट्रैवल को लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा। मैं आपको यहाँ की लाइफ भी दिखाऊंगा, यहाँ के खाने भी दिखाऊंगा। और अब हम चलते हैं बाहर। सो गाइस, बाय बाय।